हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे ओपन इकोनॉमी वर्सेस क्लोज इकोनॉमी। तो ये चैप्टर जो है वो हमने 12th क्लास की बुक से लिया हुआ है, मैक्रो इकोनॉमिक्स से, जो कि लेसन नंबर 1 के अंदर आएगा, क्योंकि ये बेसिक टॉपिक है। कई बुक्स में हो सकता है आपके लिए नहीं भी हो, तो इस बस एक तरीके का थोड़ी सी नॉलेज क्रिएट करने के लिए है कि व्हाट इज द ओपन इकोनॉमी एंड व्हाट इज द क्लोज इकोनॉमी। तो इस टॉपिक को मैंने अपनी बुक से लिया है, इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये मेरी बुक है। आप चाहें तो इस बुक को बाय कर सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही तरीके से अवेलेबल है। इसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आपको कोई दिक्कत आती है इसे परचेज करने में, अगर आपको कोई समझ में नहीं आता, तो आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं। मैंने आपको व्हाट्सअप नंबर भी दिया हुआ है, तो आप वहां पे भी जाके मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो मैं इस बुक से ही आपको समझा देता हूँ, इस बुक में क्या लिखा हुआ है उसी को पढ़ देते हैं एक बार आप बच्चों के लिए। तो इसमें लिखा हुआ है ओपन इकोनॉमी के बारे में, एन इकोनॉमी इज टर्म, एन ओपन इकोनॉमी इज अ टर्म यूज फॉर अ कंट्री विच हैज इकोनॉमिक रिलेशंस विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। यानी कि ओपन इकोनॉमी ऐसी कंट्री के लिए यूज किया जाता है जो इंटरनेट और देशों के साथ में जिसके की टर्म होते हैं, जिसके रिलेशन होते हैं, उसे कहते हैं ओपन इकोनॉमी। बोरोइंग एंड लैंडिंग ऑल्सो टेक प्लेस अमंग डिफरेंट कंट्री इन केस ऑफ ओपन इकोनॉमी। ऐसी कंट्री दूसरे देशों से बोरोइंग भी करती है, उनको लैंडिंग भी करती है। तो ओपन इकोनॉमी की ये फीचर्स हैं, यानी कि वो विदेशों से अपने कॉन्टेक्ट भी रखती है और लैंडिंग भी करती है और बोरो भी करती है। द पीपल ऑफ वन कंट्री ऑल्सो विजिट अदर कंट्री फॉर इकोनॉमिक पर्पज इन केस ऑफ ओपन इकोनॉमी। यानी कि एक देश के लोग दूसरे देश में जा सकते हैं इकोनॉमिक पर्पज के लिए ओपन इकोनॉमी के केस में। अगर हम क्लोज इकोनॉमी की बात करें, तो क्लोज इकोनॉमी उस कंडीशन को कहते हैं जिस विच हैज नो इकोनॉमिक रिलेशन विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। यानी कि क्लोज इकोनॉमी की कंडीशन में जो इकोनॉमी होती है वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ किसी भी तरीके का कॉन्टेक्ट नहीं रखती है। सेकेंड पॉइंट हमने लिखा हुआ है इस बुक में कि बोरोइंग एंड लैंडिंग डू नॉट टेक प्लेस अमंग डिफरेंट कंट्री इन केस ऑफ क्लोज इकोनॉमी। यानी कि ना तो ऐसी कंट्री बोरो करती है, नहीं लैंडिंग करती है। तो आज की रिलेवेंट में बात करें तो कोई भी कंट्री शायद ही क्लोज इकोनॉमी हो, क्योंकि किसी ना किसी कंट्री को दूसरे देशों के साथ जनरल रिलेशन बना के रखना ही पड़ता है। तो बहुत छोटा सा इंट्रो था क्लोज इकोनॉमी ओपन इकोनॉमी का। अगर मैं सिंपल शब्दों में एक बार आपसे कहूं तो ओपन इकोनॉमी वो है जो और देशों के साथ रिलेशन रखती है, इकोनॉमिक रिलेशन, और क्लोज इकोनॉमी वो है जो और देशों के साथ अपने इकोनॉमिक रिलेशन नहीं रखती। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।